नमस्कार साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो हमारे सामने एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आप सभी अभ्यर्थी अभ्यासरत हैं और हमारी तरफ से भी, हमारे इस YouTube चैनल की तरफ से भी और हमारी इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से भी किस प्रकार से अभ्यर्थियों की सहायता की जाए इस बात का ध्यान में रखते हुए और मैंने भी जब तैयारी की इस दरमियान मुझे जिस चीज़ की कमी महसूस हुई, जिस टॉपिक्स या जिस यूनिट की मेरे को कमी महसूस हुई, इस यूनिट्स के बारे में इसी प्लेटफॉर्म पर हम वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ये विषय आपको अब तक पहुँचा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ के अंतर्गत कुछ कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अपन ने पढ़ा था, जो कि संस्कृत के द्वितीय पेपर की अंतिम यूनिट है। उस यूनिट में राजस्थानीय कवियों का साहित्य व्यक्तित्व और कृतित्व जो हमारे यूनिट में है, पाठ्यक्रम में है, उसके कुछ महाकवि जो थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। भट्ट, मधुसूदन जी, ओझा, मथुरानाथ जी शास्त्री, ये सारी रचनाओं के बारे में, इनके कृतित्व के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। आज की क्लास है वह एक स्पेशल क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, जिस प्रकार से मधुसूदन ओझा साहब हैं, भट्ट मथुरानाथ जी शास्त्री हैं और ऐसे ही दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी प्रश्नों को पूछा गया है और उन प्रश्नों का भी हमने इस वीडियो में समावेश किया है। इसके साथ में ही कौन से संभावित प्रश्न और हैं उसको भी हमने आज की क्लास के उनको भी आज इसकी इस क्लास में शामिल किया है और इनका व्यक्तित्व कैसा था, कृतित्व कैसा था, इन सारी बातों को हम आज की क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं दुर्गा प्रसाद द्विवेदी। दुर्गा प्रसाद द्विवेदी आप सभी को पता है कि जो अपने आप में एक ज्योतिष के बहुत अच्छे और प्रकांड विद्वान थे। इन्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान तो था ही, साथ में ही साहित्य का भी बहुत अच्छा नॉलेज था। साहित्य की नॉलेज के साथ ही इन्हें गणित विषय का बहुत अच्छा ज्ञान था और गणित विषय का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने गणित और जो पंचांग ज्योतिष है, ज्योतिष विज्ञान और पंचांग, इन दोनों को समावेश करके एक बहुत ही अच्छा जो ज्योतिष है, उस ज्योतिष विज्ञान को एक अच्छा मार्ग प्रदान किया और उसके संबलन में, उसके विकास में दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। साथ में इनका जो जन्म है वह अयोध्या में हुआ था और इनका जन्म अयोध्या में होने के बाद ये क्या होता है, इनका राजस्थान में राम सिंह जी जो यहाँ के महाराजा थे जयपुर के, उस समय उनके पापा जो थे सरयू प्रसाद द्विवेदी, उनको वह आमंत्रित करते हैं जयपुर के लिए और जयपुर आने के बाद इनका जीवन किस प्रकार से रहा, क्या क्या इन्होंने संस्कृत की सेवा के लिए क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और इनका क्या कार्य रहा संस्कृत जगत में, इन सारी चीजों को आज की क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं और आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और हमारे पहले जो दुर्गा प्रसाद जी द्विवेदी, इनका जो व्यक्तित्व है और वह व्यक्तित्व कैसा रहा इसके बारे में हम देखते हैं। तो दुर्गा प्रसाद जी जो हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो स्थिति काल है वह है 1863 से 1937 ईस्वी के बीच में इनका स्थिति काल रहा। 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस स्थिति काल के बीच में इन्होंने संस्कृत जगत के लिए, ज्योतिष जगत के लिए, ज्योतिष विज्ञान के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी कृतियों की रचनाएं की थी। चलिए इनका जो ग्राम है, वह जन्म स्थान है वह थरेरू, अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर इनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी जो थे वह थे सरयू प्रसाद द्विवेदी। इनके जो पिताजी थे वह सरयू प्रसाद द्विवेदी थे और सरयू प्रसाद जी द्विवेदी जो थे उनको जयपुर नरेश राम सिंह जी द्वारा राज पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया था। सरयू प्रसाद द्विवेदी हैं, उनको जयपुर के जो राजा थे, उन जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वारा इनको राज पंडित की उपाधि से नवाजा गया था। और दूसरी बात, ये सरयू प्रसाद जी द्विवेदी हैं, इनको राम सिंह जी का आश्रय प्राप्त था, इनको राम सिंह जी का आश्रय प्राप्त था। और जो दुर्गा प्रसाद द्विवेदी हैं, इनको माधव सिंह जी का आश्रय प्राप्त था।
इसके साथ में ही अब इनका जन्म थरेरू अयोध्या में हुआ और कुछ समय बाद इनको राम सिंह जी द्वारा सरयू प्रसाद द्विवेदी इनको जयपुर आमंत्रित किया गया और यह दुर्गा प्रसाद जी अपने पापा के साथ में जयपुर आ गए। और जयपुर में क्या होता है, अपने पिताजी के साथ में रहते हुए इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वह जयपुर से संपन्न होती है। जयपुर से प्रारंभिक शिक्षा संपन्न होने के बाद इनकी लगन जो संस्कृत विषय के प्रति थी, जो ज्योतिष विषय के प्रति थी, तो उस समय जयपुर का जो माहौल था वह उस समय वहाँ पर ऐसा कोई कॉलेज या स्कूल्स नहीं मिले जो कि इनको ज्योतिष या संस्कृत के क्षेत्र में इनको विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति वहाँ पर हो पाए। इसलिए उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए इन्होंने काशी जाने का निश्चय किया और काशी के लिए प्रस्थान किया। वहां पर इनका इनके जो गुरु है वह बापूदेव शास्त्री, जो कि ज्योतिष विषय में, ज्योतिष शिक्षा में पारंगत थे, जो बापूदेव शास्त्री, और इनको यूरोपीय ग्रह गणित और भारतीय सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन में निपुणता थी। इनको दो चीज़ों में निपुणता थी जो बापूदेव जी थे उनको, कि यूरोपीय ग्रह गणित और गणित भारतीय सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन में ये निपुण थे। और इनको दुर्गा प्रसाद जी को बापूदेव शास्त्री के माध्यम से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होता है। न केवल इन्हें ज्योतिष का ही ज्ञान प्राप्त था अपितु साहित्य के विषय में भी इन्हें और दर्शन के विषय में भी इन्हें ज्ञान प्राप्त था। और ये जो ज्ञान प्राप्त है, दूसरे गुरु इनके जो थे वह थे गंगाधर शास्त्री के द्वारा इन्हें साहित्य और दर्शन का नॉलेज मिलता है। और इसी कारण से जो दुर्गा प्रसाद जी थे इनकी समस्त रचनाएं जो थी वह दर्शन से संबंधित भी हैं, इसके साथ में ज्योतिष से संबंधित भी हैं और साहित्य से संबंधित भी हैं। इनकी समस्त रचनाओं का जो समावेश है, इन्होंने साहित्य, दर्शन और ज्योतिष, इन तीनों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया और उसके माध्यम से एक नए संस्कृत जगत का आविष्कार किया। फिर क्या होता है, जब ये काशी में रहते हुए ये सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पर ज्योतिष, दर्शन, साहित्य, इनकी शिक्षा को प्राप्त किया, अध्ययन समाप्त हुआ, इसके बाद वह जयपुर आए। जयपुर आने के बाद इन्हें महाराजा संस्कृत कॉलेज में ज्योतिष अध्यापक के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। जब ये वहां से शास्त्री, आचार्य, सारी डिग्रियां कर करके जब वापिस आए तब इन्हें ज्योतिष अध्यापक, प्राध्यापक के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। और इनकी प्रतिभा को देख करके सन 1911 से 1925 तक, 1911 से 1925 तक इसी महाराजा संस्कृत कॉलेज में इन्होंने प्राचार्य के पद को सुशोभित किया था। इनकी प्रतिभा और विशिष्ट ज्ञान को देख करके, ज्योतिष विषय ज्ञान को देख करके 1911 से 1925 के बीच में इन्होंने प्राचार्य के पद को, महाराजा संस्कृत कॉलेज जो है उसके प्राचार्य पद को सुशोभित किया। और इन्होंने जब इस पद पर रहते हुए 1926 में इन्होंने स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति ले ली, क्योंकि संस्कृत के प्रति इनकी विशेष रुचि थी और वह अपना समय उस संस्कृत के लिए नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण से इन्होंने उस पद से 1926 में सेवानिवृत्त हो गए। और इन्होंने एक संस्था की भी स्थापना की थी, उसका नाम है सरस्वती पीठ प्राच्य शोध संस्थान जयपुर। इस संस्था की भी स्थापना दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी। आइए अगली जो इनके कृति, इनको उपाधियां कौन सी प्राप्त थी और इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने, इनको महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त थी, साथ में ही इन्हें ज्योति ही कवि कला निधि की उपाधि भी प्राप्त थी। और 1918 में माधव सिंह जी की आज्ञा के अनुसार जयपुर के रामनिवास बाग में एक समारोह आयोजित हो रहा था और उस समारोह में माधव सिंह जी द्वारा आयोजित हो रहा था और माधव सिंह जी का आश्रय इन्हें दुर्गा प्रसाद जी को प्राप्त था। तो माधव सिंह जी की आज्ञा के कारण इन्हें जयपुर के जो रेजिडेंट थे उनके द्वारा महामहोपाध्याय की उपाधि से उस प्रोग्राम में नवाजा गया था। तो इन्हें एक महामहोपाध्याय की उपाधि जयपुर के रेजिडेंट द्वारा दी गई थी। और किसके आज्ञा अनुसार दी गई थी, तो माधव सिंह जी की आज्ञा के अनुसार इन्हें ये दी गई थी। इसके बाद इन्हें एक उपाधि और प्राप्त थी, वह थी ज्योति ही कवि कला निधि। इनकी दूसरी उपाधि थी ज्योति ही कवि कला निधि। जो पंचांग तत्व इनकी रचना है,
पंचांग तत्वम, जो इनकी रचना है उस पंचांग तत्वम को पढ़ करके जो शंकराचार्य जी थे वह बहुत ही प्रभावित हुए थे कि इन दुर्गा प्रसाद जी को पंचांग विषयक, पंचांग इतिहास विषयक विषयक या पंचांग गणित विषयक इतना अच्छा नॉलेज था। उस ज्ञान को और उस प्रतिभा को देखते हुए शंकराचार्य प्रभावित हुए और इस रचना के कारण इन्हें ज्योति कवि कलानिधि की उपाधि से भी नवाजा गया था। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हैं। महामहोपाध्याय की उपाधि जयपुर के रेजिडेंट द्वारा दी गई थी, माधव सिंह जी के आज्ञानुसार दी गई थी। ज्योति कवि कलानिधि जो है वह शंकराचार्य दी गई थी और यह पंचांग तत्व जो इनकी रचना है उसके कारण इन्हें दी गई थी। आगे बात करते हैं इनके द्वारा संपादित पत्रिका, वह है काशी विद्या सुधा निधि। जब ये काशी में रह रहे थे तब वह वहां पर अध्ययन काल के समय सरस्वती भवन काशी, यहां से प्रकाशित तो होने वाली ये जो पत्रिका है काशी विद्या सुधा निधि, इसके संपादक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया और संपादन की शैली में इन्होंने इस पत्रिका के विकास में बहुत सारे लेखों का और बहुत सारे निबंधों का इस रचना के माध्यम से, इस पत्रिका के माध्यम से प्रकाशन भी हुआ। ठीक है, अब इनकी जो समस्त रचनाएं थी उन रचनाओं का मुख्य विषय जो है वह ज्योतिर्विज्ञान था। जो इनको ज्योतिष विषय ज्ञान इनको किससे प्राप्त हुआ था, बापूदेव शास्त्री से, जब यह काशी में गए थे। तो इनका समस्त रचनाओं का जो विषय है वह ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं हैं वह है काशी विद्या सुधा निधि, यह भी इंपॉर्टेंट है। और इनको जो उपाधि प्राप्त थी वह दो थी, एक तो महामहोपाध्याय और ज्योति कवि कलानिधि, ये दोनों उपाधियां इनको प्राप्त थी। और किनके द्वारा दी गई थी ये इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य द्वारा पंचांग तत्व पर इन्हें यह उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो कृतित्व परिचय है वह कृतित्व परिचय जो है उसके बारे में एक बार देखते हैं कि इनका कृतित्व परिचय किस प्रकार का था। तो इनका जो कृतित्व परिचय था, सबसे पहले इसका वर्गीकरण करते हैं अलग अलग। तो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित इनकी रचनाएं कौन सी हैं, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित इनकी रचना है, एक तो है उत्पत्तिन्दु शिखर, विलासी टीका, क्षेत्रमिति, जैमिनी पद्यामृतम, सूर्य सिद्धांत समीक्षा, अधिमास परीक्षा, सिद्धांत शिरोमणि भाष्य, पंचांग तत्वम और पंचांगाभिभाषण। ये जो है वह दुर्गा दास जी जो हैं, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके द्वारा रचित हैं। उत्पत्ति इंदु शिखर, विलासी टीका, क्षेत्रमिति, जैमिनी पद्यामृतम, सूर्य सिद्धांत समीक्षा, अधिमास परीक्षा, सिद्धांत शिरोमणि भाष्य, पंचांग तत्वम, पंचांगाभिभाषण। ये सारी जो हैं वह रचनाएं इनकी ज्योतिष से संबंधित हैं। अगली रचनाएं जो हैं वह कौन सी हैं, तो उसको देखते हैं कि अगली जो रचनाएं हैं वह है साहित्य शास्त्र पर आधारित जो इनकी रचनाएं हैं वह है। तो साहित्य शास्त्र पर आधारित जो रचनाएं हैं उसमें जो है वह है, सबसे पहली रचना है दुर्गा पुष्पांजलि। उस रचना का नाम है, साहित्य शास्त्र पर आधारित है, दुर्गा पुष्पांजलि। और इसके बाद जो है साहित्य दर्पण छाया विवृत्ति, अगली जो रचना है जो साहित्य शास्त्र पर है भारत अशुद्धि, प्रसाद शतकम, दशकंठवदम, इंपॉर्टेंट रचना दशकंठवदम, पहले भी पूछा गया है प्रश्न लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए उसमें भी, और दशकंठवदम बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद अगली रचना है देवराज चरितम, और अगली इंपॉर्टेंट साहित्य की रचना है प्रसन्न चंडीपति। प्रसन्न चंडीपति रचना इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 18 वर्ष की अल्पायु में, 18 वर्ष की अल्पायु में सबसे प्रथम जो रचना की थी वह दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रसन्न चंडीपति जो है वह की थी, और वह 18 वर्ष के थे तब जब काशी में अध्ययन कर रहे थे, उस समय ही इस रचना को इन्होंने वहां रहते हुए लिखा था। चलिए अगली जो रचना है वह है धर्मशास्त्र पर आधारित रचना।
अगली रचना का नाम है धर्मशास्त्र पर आधारित, और उस रचना में उसका नाम है चातुर्वर्ण्यम शिक्षा। उस रचना का नाम है चातुर्वर्ण्य शिक्षा, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर प्रसन्न चंडीपति, दशकंठवदम और चातुर्वर्ण्य शिक्षा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इनके रचनाओं का जो सारी रचनाएं अपन ने एक नज़र में ऊपर देखी हैं, इन सारी रचनाओं का थोड़ा सा विशेष अध्ययन देख लेते हैं कि इनमें थोड़ा सा वर्णन किसका मिलता है, क्या क्या चीज़ें इनमें मिलती हैं। तो सबसे पहले जो है, मैंने पहले ही बताया था, दशकंठवदम जो है वह इम्पोर्टेंट रचना है और साहित्य शास्त्र पर आधारित है। साहित्य शास्त्र पर आधारित रचना है दशकंठवदम। भगवान श्री राम की जीवन चरित्र पर आधारित चंपू काव्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, दशकंठवदम काव्य के संस्कृत साहित्य के चंपू काव्य की शैली का काव्य है, ठीक है, चंपू काव्य है, और ये चार गुच्छक या चार अध्यायों में विभाजित है। दशकंठवदम जो है वह इसमें चार गुच्छक है अथवा चार अध्यायों में यह विभक्त है, और इसमें गद्य पद्य की भाषा जो है वह प्रौढ़ है। इसमें इस रचना के माध्यम से भगवान श्री राम का जो चरित्र है, उस भगवान राम के चरित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपनी जो पत्नी थी सीता, उन सीता का जब हरण हुआ तो उस हरण होने के बाद उन्होंने किस तरह की विरह वेदना को सहन किया, उसके बाद क्या क्या उन्होंने किस तरह के प्रयास किए जिसके माध्यम से वह सीता तक पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने किस प्रकार से रावण का वध किया, इस सारी कथा के माध्यम से भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। सीता जो है इनके चरित्र का वर्णन किया गया है, और ये जो है इस रचना का आधार है जो है वह भगवान राम का जो जीवन चरित्र है उस पर आधारित है, और ये चंपू काव्य है, ठीक है। और चंपू काव्य आपको सबको पता ही है, गद्य पद्य का मिश्रित जो रूप होता है उसी को चंपू काव्य कहते हैं, और इसमें भी गद्य पद्य का जो प्रौढ़ रूप है वह इस काव्य में मिलता है। अगली रचना की बात करें वह है उत्पत्तेन्दुशिखर। ये जो है वह ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन और अर्वाचीन आचार्यों के कृतित्व का सचित्र वर्णन है। ये जो है वह कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का अगर ऑथेंटिक प्रामाणिक अगर इतिहास कोई ग्रंथ चाहिए तो वो उत्पत्तेन्दुशिखर है, और ज्योतिष शास्त्र के जितने भी प्राचीन आचार्य हुए हैं, इसके बाद जो अर्वाचीन आचार्य वर्तमान में जो उनके समय में जो भी आचार्य थे जिनको विशेष प्रकार से ज्योतिष का ज्ञान था, उन सबका व्यक्तित्व है और कृतित्व है उसका सचित्र वर्णन उत्पत्तेन्दुशिखर में दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, और इन्हें कह सकते हैं कि ज्योतिष का प्रामाणिक इतिहास भी इस ग्रंथ को कहते हैं, ठीक है। अगली कृति के बारे में अपन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अगली जो कृति थी इनकी वह कौन सी थी। तो इनकी अगली जो कृति थी वह थी अधिमास परीक्षा। उस कृति का नाम था अधिमास परीक्षा। क्या होता है कि संवत 1959 में, 1959 में क्या होता है कि अधिमास, जो मल मास जिसको कहते हैं, उसके बीच में विद्वानों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, और विवाद ये उत्पन्न होता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि अधिक मास या मल मास आषाढ़ है, और कुछ विद्वान कहते हैं कि श्रावण है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मल मास या अधिमास जो है वह आषाढ़ है, कुछ कहते हैं कि श्रावण है। इनमें मतभेद उत्पन्न होता है, और पंचांगकर्ताओं के विवाद को इस ग्रंथ में, ये जो विवाद था इस विवाद को इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है, परंतु द्विवेदी जो थे दुर्गा प्रसाद जी, इनको पंचांग का विशेष नॉलेज ज्ञान था, तो उस ज्ञान के आधार पर समस्त विवादों का इन्होंने निराकरण करते हुए आषाढ़ मास को ही मल मास के रूप में घोषित करते हैं या सिद्ध करते हैं। इनके अनुसार, अधिमास परीक्षा के अनुसार, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आषाढ़ जो मास है वही मल मास के रूप में सिद्ध होता है, और इसी का जो वर्णन है वह अधिमास परीक्षा में किया गया है। चलिए अगला जो अगर रचना है इनकी पंचांग या ज्योतिष से संबंधित है वह है पंचांगाभिभाषण।
अगली रचना का नाम है पंचांगाभिभाषण। पंचांगों के विषयों में प्रचलित ज्योतिषियों के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। पंचांग जो है उस पंचांग के विषय में जितने भी ज्योतिषियों के जो भी विचार थे, उन समस्त ज्योतिषियों के जो विचार थे, उन विचारों को पंचांगाभिभाषण में प्रस्तुत किया गया है दुर्गा प्रसाद द्विवेदी द्वारा। और पंचांग तत्वम जो इनकी रचना है, इस रचना में जो पंचांगाभिभाषण है ये, इसी को इन्होंने पद्यबद्ध 101 श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। दोनों में एक ही चीज है, ये इन्हीं का पद्य जो रूप है वह पंचांग तत्वम है, और पंचांग तत्वम के कारण ही इन्हें शंकराचार्य जी ने कौन सी उपाधि दी थी, ज्योति, ज्योति कवि कला निधि, ज्योति कवि कला निधि की उपाधि से इन्हें नवाजा था शंकराचार्य जी ने पंचांग तत्व के कारण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली जो रचना है वह है क्षेत्रमिति। अगली जो रचना है वह है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रचित रेखागणित नामक ग्रंथ को संशोधित कर सरल संस्कृत भाषा में क्षेत्रमिति के नाम से नवीन ग्रंथ को प्रस्तुत किया। जगन्नाथ सम्राट जो थे उनकी एक रचना थी जिसका नाम था रेखागणित। और रेखागणित जो आप सभी को पता है, गणित विषय अपने आप में बहुत ही क्लिष्ट है, तो ऐसे उस रेखागणित विषय को आधार बना करके, उस रचना को आधार बना करके दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने संस्कृत भाषा में क्षेत्रमिति के नाम से नवीन ग्रंथ की रचना की। और वह जो क्षेत्रमिति है वह 8 अध्यायों में विभक्त थी। क्षेत्रमिति इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ जी की जो रचना है रेखागणित उसका ही, उसको ही नवीन ग्रंथ के रूप में संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया था और उसमें 8 अध्याय थे, ये चीज ध्यान रखनी है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वह है विलासी। विलासी जो है ये टीका ग्रंथ है। किसकी टीका है, तो भास्कराचार्य द्वारा लिखित लीलावती और बीजगणित। लीलावती, भास्कराचार्य जी ने लीलावती और बीजगणित जो किताबें लिखी उन पर संस्कृत भाषा में विलासी नामक संस्कृत टीका और भाष्य दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। यूक्लिड जो है उनकी जो ज्योमेट्री है वह भी बहुत क्लिष्ट थी। गणित विषय के जो विषय थे, टॉपिक्स थे, वह भी बहुत क्लिष्ट थे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने विलासी नामक टीका को लिख करके उस गणित विषय को थोड़ा सा और सरल बनाने का प्रयास किया गया था। गणित विषय के अध्ययन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए आपने हिंदी भाषा भाष्य भी 100 उदाहरण प्रस्तुत किए थे। इस गणित विषय को सरल बनाने के लिए इन्होंने क्षेत्रमिति जो कि विलेलावती और बीजगणित पर, विलासी जो टीका है जो लीलावती और बीजगणित पर थी, इसको बनाया गया था। ठीक है, ये प्रमुख इनकी रचनाएं थी। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं तो देखते हैं। और इनकी रचना जो है वह है कि एक है जैमिनी पद्यामृतम। अगली रचना का नाम है जैमिनी पद्यामृतम, 8 प्रवाहों में विभक्त और 232 पद्य में निबद्ध जो रचना है वह है जैमिनी पद्यामृतम। जैमिनी जो है उन्होंने जैमिनी सूत्रों का निर्माण किया और जैमिनी सूत्रों को जो अव्यवस्थित रूप में थे उन्होंने उन सूत्रों को दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया था, व्यवस्थित रूप में उनको लिपिबद्ध किया और उनको उनका व्यवस्थित रूप कर करके उसको फिर पद्यात्मक, उन सूत्रों को पद्यात्मक शैली में जैमिनी पद्यामृतम नाम से उस ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। उस ग्रंथ की रचना की थी जो जैमिनी सूत्र थे उनको पद्यात्मक रूप से जैमिनी सूत्रम, जैमिनी पद्यामृतम के नाम से 232 पद्यों में उन सारे पद्यों को और 8 प्रवाहों में इसको विभक्त किया था। अगली जो रचना है वह है सूर्य सिद्धांत। निबंधात्मक शैली में लिखित इस ग्रंथ में वर्तमान काल में प्रचलित सूर्य सिद्धांत, इस
मतलब साक्षात सूर्य सिद्धांत, मतलब जो सूर्य है वह साक्षात सूर्य का ही बना हुआ है, यह इस अंधविश्वास का इन्होंने इस सूर्य सिद्धांत के द्वारा खंडन किया था। अगली रचना है साहित्य दर्पण छाया विवृति। लाक्षणिक ग्रंथ जो साहित्य दर्पण है, उस साहित्य दर्पण पर इन्होंने छाया टीका लिखी थी, क्योंकि साहित्य दर्पण अपने आप में थोड़ा सा क्लिष्ट था, जो बच्चों के या समझ में नहीं आता था, या संस्कृत का जिनको इतना वास्तविक ज्ञान नहीं था, उन वास्तविक जिनको ज्ञान संस्कृत का नहीं था, उनके लिए साहित्य दर्पण के विषय को सरल बनाने के लिए इन्होंने छाया नाम की टीका लिखी थी, और जो साहित्य दर्पण पर लिखी गई थी, और इस संपूर्ण रचना का नाम दे दिया साहित्य दर्पण छाया विवृत्ति। और इस संपूर्ण रचना में इन्होंने साहित्य दर्पण के विषयों को बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। चलिए अगली जो रचना है वह है दुर्गा पुष्पांजलि। भगवती त्रिपुर सुंदरी को 9 पुष्पांजलि समर्पित करके, अर्थात 9 पद्यों के माध्यम से इस जो भगवती त्रिपुर देवी है उसकी स्तुति इस दुर्गा पुष्पांजलि के माध्यम से की गई है, और इसमें इसको जो इसका जो विभाजन है वह 9 पुष्पांजलि में किया गया है। 9 पुष्पांजलि का मतलब है 9 पद्य, और 9 पद्यों के माध्यम से ही देवी जो है त्रिपुर देवी उसकी आराधना की गई है। अगला जो है अगली रचना प्रसन्न चंडीपति। आपने 18 वर्ष की अल्पायु में अध्ययन के समय काल में ही इस प्रसन्न चंडीपति जो है इस रचना को इन्होंने लिखा था, तो प्रश्न ये बन सकता है कि दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनकी पहली रचना कौन सी है, तो इनकी जो पहली रचना है वह प्रसन्न चंडीपति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इनकी रचनाओं का एक और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो और इनकी रचना जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट अगर रचना है तो वह है चातुर्वर्ण्यम। उस रचना का नाम क्या है? चातुर्वर्ण्यम। और चातुर्वर्ण्यम शिक्षा जो है वह उपजाति छंद में है। कौन से छंद में है? उपजाति छंद में है, और 200 श्लोकों में निबद्ध है ये रचना। उपजाति छंद में है, 200 श्लोकों में निबद्ध है, और ये जो है उसका संबंध धर्मशास्त्र से है। किससे है? धर्मशास्त्र से है, और धर्मशास्त्र के समस्त सारभूत जो तत्व हैं उन तत्वों का समावेश चातुर्वर्ण्यम जो शिक्षा है उसमें दुर्गा प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया है। यह 5 उपोद्धात एवं 7 प्रकरणों में विभक्त है। चातुर्वर्ण्यम शिक्षा जो है वह 5 उपोद्धात और 7 प्रकरणों में विभक्त है, और 5 उपोद्धात कौन से हैं? तो मनुष्यता, विवेकिता, कर्तव्यता, ग्रंथ प्रयोजन और वर्णाश्रम सूत्र। ये 5 जो हैं वह इसके उपोद्धात थे, और इनके 7 प्रकरण थे, और वह 7 प्रकरण थे ब्राह्मण शिक्षा, क्षत्रिय शिक्षा, वैश्य शिक्षा, शूद्र शिक्षा, स्त्री शिक्षा, त्रिवर्ग शेष और आश्रम शिक्षा। इस प्रकार से इन्होंने 7 प्रकरणों के माध्यम से धर्मशास्त्र का जो सार है उस सार को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, और इसका अंतिम एक परिशिष्ट था, उस परिशिष्ट का नाम था सप्तपुरणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चातुर्वर्ण्यम शिक्षा को 5 उपोद्धात और इसके बाद 7 प्रकरणों में बांटा था, और इसका एक परिशिष्ट था, उस परिशिष्ट का नाम था सप्तपुरणी। उस परिशिष्ट का नाम क्या था? सप्तपुरणी। और सप्तपुरणी परिशिष्ट में यज्ञ का स्वरूप, गोत्र प्रवर, विवाह, आशौच, भूगोल, पर्वत, नदी तथा भारत के प्राचीन देशों का निरूपण इसमें सप्तपुरणी जो इसका परिशिष्ट था उसमें किया गया था। साथ में ही प्राचीन भारत की जो भी सीमाएं थी उस सीमाओं के बारे में भी यहाँ पर सप्तपुरणी परिशिष्ट में मिलता है, और उसके लिए आर्यावर्त के लिए परिभाषा मिलती है आ समुद्रात वे पूर्वाद, अर्थात समुद्र से पूर्व जो है वह समस्त देश आर्यावर्त है, और उत्कल प्रदेश के लिए परिभाषा मिलती है जगन्नाथ प्रांत देशस्तवोत्कलः। ये उत्कल की परिभाषा मिलती है, और ये सारी जो चीज़ें मिलती हैं वह चातुर्वर्ण्यम शिक्षा में मिलती हैं। और वर्णाश्रम उपोद्धात को ये जो है वर्णाश्रम उपोद्धात जो है ये इसको 4 आण्विकों में बांटा गया था,
आचार, उपासना, व्यवहार और प्रायश्चित। इस चातुर्विनयम शिक्षा में धर्मशास्त्र के सार को, मतलब ब्राह्मण जो थे उनके कर्तव्य क्या थे, उन्होंने क्या कार्य करने चाहिए, क्षत्रिय के क्या कार्य थे, उसके माध्यम से वैश्य, शूद्र, इन सब के कार्य और प्लस इनके जो स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, स्त्रियों के क्या कर्तव्य हैं, स्त्रियों के क्या अधिकार हैं, ये सारी बातें धर्मशास्त्र से जो रिलेटेड हैं, ये सारी बातों को इन्होंने 7 प्रकरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया था। और अंतिम जो इसका प्रकरण था वह था आश्रम शिक्षा, ये इनका अंतिम प्रकरण था। अब आगे बात करते हैं चातुर्विनयम जो शिक्षा है उसकी प्रमुख सूक्तियां कौन सी हैं, ये भी परीक्षा में पूछी जाती हैं कि इसमें सूक्तियां कौन सी हैं, तो उनकी सूक्तियों को भी अपने याद करना है। ज़्यादा सूक्तियां हैं नहीं, 3 ही सूक्तियां मिलती हैं किताबों में भी, और वह सूक्तियां हैं वेदम न पर्यनुयोजयेद अनादित्वाद अनंतत्वाच। ये चातुर्वर्ण्यम शिक्षा की सूक्ति है। अश्वादीनाम जन्मनेव जाति कर्मणा तु विशिष्यते, ये भी चातुर्वर्ण्यम शिक्षा की है। गुण भेदाद कर्म भिद्यते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूक्ति, इसको आपको याद रखना है। गुण भेदाद कर्म भिद्यते चातुर्वर्ण्यम शिक्षा की सूक्ति है। चातुर्वर्ण्यम जो है वह धर्मशास्त्र पर आधारित है और वह इसके रचयिता दुर्गा प्रसाद जी द्विवेदी हैं। चलिए इसके बाद एक ये है कि प्रसाद शतकम जो है वह दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा है और अपने जीवन चरित्र का इन्होंने वर्णन प्रसाद शतकम में किया। याद रखना दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वह प्रसाद शतकम है, ठीक है। आत्मकथा जो है वह प्रसाद शतकम है और प्रसाद शतकम के अलावा देवराज चरितम करके एक रचना लिखी। ज्योतिष शास्त्र के इनके जो गुरु थे बापूदेव शास्त्री, और उन बापूदेव शास्त्री जो अपने गुरुजी थे उन गुरुजी के जीवन चरित्र का, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी, उनका जीवन में किस प्रकार से संघर्ष रहा, संस्कृत के प्रति क्या कार्य बापूदेव शास्त्री ने किए, ये सारी चीज़ें इन्होंने देवराज चरितम के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब यहाँ तक तो बात हो गई कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी और रचनाओं का विषय क्या था, और रचनाओं के विषय के बाद ही इन्होंने संस्कृत के लिए क्या क्या कार्य किए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी हो गई। अब अपन कुछ प्रश्न के माध्यम से ये देखते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, या विगत भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न इस यूनिट से, इस टॉपिक से किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह ये है कि दुर्गा प्रसाद द्विवेदी न दशकंठ वदम वर्तते, ये क्या है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है या नाटकम है, क्या है। तो ये जो है वह गद्य पद्य से मिश्रित चंपू काव्य है, और दशकंठ वदम जो है भगवान राम श्री जो हैं उनके जीवन चरित्र पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है वह है लीलावती। लीलावती रचनायाः टीका अस्ति, लीलावती जो रचना है उसकी टीका कौन सी है, प्रसाद शतकम, विलासी, देवराज चरितम, पंचांगाभिभाषणम। तो इनकी जो रचना है, जो टीका है वह है लीलावती। लीलावती के रचयिता जो हैं वह भास्कराचार्य थे, और भास्कराचार्य की लीलावती पर जो है वह विलासी नाम से दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है वह इसका इस पर टीका लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्नों के क्रम में। आगे प्रश्न है वह है कि चातुर्वर्ण्यम शिक्षा इति कति प्रकरणेषु विभाजितम अस्ति, चातुर्वर्ण्य शिक्षा जो है वह कितने प्रकरणों में विभाजित है। पंच प्रकरणेषु, अष्ट प्रकरणेषु, सप्त प्रकरणेषु या 10 प्रकरणेषु। तो आपको सभी को पता है चातुर्वर्ण्य शिक्षा 7 प्रकरणों में निबद्ध है और 5 उपोद्धात में निबद्ध है। 5 उपोद्धात में निबद्ध है और इसकी इसके परिशिष्ट का नाम है वह है सप्तपूर्णी, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई चातुर्वर्ण्यम शिक्षा। चातुर्वर्ण्यम शिक्षा धर्मशास्त्र पर
आधारित रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्रेण संबंधित रचना वर्तते, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कौन सी रचना है? पंचांग तत्वम, भारत शुद्धि, दशकंठवदम, चातुर्वर्ण्यम शिक्षा। तो आप सभी को पता है कि इसमें जो पंचांग तत्वम है, ये जो है वह पंचांगाभिभाषण जो इनकी रचना है उसी का पद्यानुवाद है, और ये जो है वह ज्योतिष शास्त्र पर आधारित रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है वो देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी रचना अस्ति, दुर्गा प्रसाद जो द्विवेदी हैं उनकी रचना कौन सी है? तो ऑप्शन है व्योमवाद, दुर्गा पुष्पांजलि, कादम्बिनी, साइंस प्रदीप। अब इसमें से एक ही रचना जो है दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी की है वह है दुर्गा पुष्पांजलि। नौ पुष्पांजलियों के माध्यम से, नौ पद्यों के माध्यम से माता त्रिपुर देवी है, जो त्रिपुर सुंदरी जो देवी है उसकी आराधना यहाँ पर दुर्गा पुष्पांजलि के माध्यम से दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने की है। ठीक है, और व्योमवाद, कादम्बिनी, साइंस प्रदीप, ये जो रचना है वह आप सभी को पता है, वह सारी रचनाएं वेद विज्ञान पर आधारित हैं, और उसकी रचयिता अपन ने पहले पढ़ा था, कौन है? मधुसूदन ओझा साहब हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी संपादिता पत्रिका अस्ति, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? संस्कृत रत्नाकर, भारती, काशी विद्या सुधा निधि और विद्यासुधा। तो इसका सही आंसर होगा कि दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी ने काशी में रहते हुए काशी विद्या सुधा निधि पत्रिका का संपादन वहां रहते हुए इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है वह है कि दुर्गा प्रसाद द्विवेदी नह आत्मकथा अस्ति, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा कौन सी है? जिन्होंने अपने चरित्र का वर्णन किया था, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष का वर्णन किया है, तो वह कौन सा है? प्रसाद शतकम, देवराज चरितम, आत्मचरितम या दुर्गा पुष्पांजलि। तो आप सभी को पता है कि इसका सही विकल्प होगा प्रसाद शतकम। प्रसाद शतकम में इन्होंने अपने जीवन चरित्र का वर्णन किया है, देवराज चरितम में इनके जो बापूदेव शास्त्री, इनके जो ज्योतिष के गुरु थे, इनके जीवन चरित्र का वर्णन देवराज चरितम के माध्यम से किया है। साथियों, इस प्रकार से आज की क्लास में हमने दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ा है, और निश्चित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में परीक्षा में प्रश्न भी अवश्य से होंगे, और संभावित प्रश्न जो बनते हैं वह हमने यहाँ पर देखे। इसके माध्यम से आप हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी इन प्रश्नों का जो संकलन है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू अनवरत रूप से जारी करें रखें, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत पास में है, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिएगा, तो निश्चित आपको सफलता भी प्राप्त होगी और नित्य नए नए ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। धन्यवाद।